बिहार में कई स्तर पर उथल पुथल मचे हुए हैं। राजनीतिक उथल पुथल के बीच जहां एक तरफ एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात की जा रही है, वहीं महागठबंधन में भी बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। खास करके अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के भीतर आपसी विवाद और कलह ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में चर्चा छेड़ दिया है। इस चर्चा के बीच में आपको जैसे कि जानकारी मिली होगी कि किस तरह से जगताप बाबू और तेज प्रताप विवाद बड़ा ही विकराल रूप लेता जा रहा है, जहाँ एक तरफ जगताप बाबू अनुशासन की बात कर रहे हैं, 10 दिनों के बाद वो कार्यालय आते हैं, आने के बाद उनका एक्शन शुरू होता है, एक्शन पर तेज प्रताप का रिएक्शन शुरू हो जाता है और रिएक्शन ऐसा शुरू होता है कि गड़े मुर्दे उखड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव इस बात पर अड़ जाते हैं कि वो जगताप बाबू ने असंवैधानिक कार्य किया है, संविधान की दोनों अपने अनुसार प्रतियां लेकर के अपने अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। इन सारी बातों के बीच में एक बात सामने आ जाती है कि हु इज तेज प्रताप। इस बात पर तेज प्रताप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने अंदरूनी बातों को और बहुत पुरानी नई बातों को सार्वजनिक करना शुरू कर देते हैं और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो सीधे तौर पे इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि लालू प्रसाद से पूछ लीजिए कि हु इज तेज प्रताप। अब इस पूरे विवाद पर अलग अलग राजनीतिक दल में भी चर्चाएँ शुरू हो गई हैं, जहाँ एक तरफ विपक्ष का कहना यह है कि तेज प्रताप यादव को लगातार हाशिए पर रखने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सीधी तौर पर तेजस्वी यादव हैं जो नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव का कद बढ़े। तेज प्रताप यादव ने भी इस बात को कहा है कि उनके बढ़ते हुए जो प्रभाव हैं जनता के बीच में, उनकी स्वीकार्यता है, उसको लेकर के लोग चाहते हैं कि दोनों भाई अलग हो जाएं। अब इन सब बातों पर पटना पहुँचे चिराग पासवान ने भी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि चिराग पासवान ने इस पूरे मुद्दे पर जब पत्रकारों ने उनसे बात की, पूछा इस विवाद पर, तो उन्होंने साफ इनकार कर दी कि इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये उनका अंदरूनी विवाद है। आप समझ सकते हैं कि आज से 2 महीना पहले जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी के अंदर आपसी कलह हुआ और उस कलह का आज भी दंश झेल रहे हैं चिराग पासवान, उनकी ही पार्टी में बड़ी टूट हुई, उनके चाचा ही इस टूट के कारण बने थे, वो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से जब उनसे इन सारे मुद्दों पर पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मुद्दा है और वो लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है, वो जानते हैं कि कैसे समस्याओं को, स्थितियों को संभालना है और इसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप कहीं से उचित नहीं है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जहाँ एक तरफ कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद से भी मिलने वाले हैं, मिल करके क्या कुछ फैसला करते हैं, क्या होता है आरजेडी का, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।